नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बड़े मामलों का किया सफल उद्भेदन। कटिहार पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर मोटरसाइकिल चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए दो अंतर्राज्यीय शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। उक्त मामले को लेकर कटिहार सदर एसडीपीओ ओम प्रकाश ने नगर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिनों कटिहार के विनोदपुर चूरा गली स्थित विमल सिंह बेगानी के हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल की चोरी की घटना घटित हुई थी। इस संदर्भ में नगर थाना एवं सहायक थाना क्षेत्र के पूर्व में घटित मोटरसाइकिल चोरी की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था। इस छापेमारी टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा से सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान कर त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल को मलिहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी बोलिया में छापेमारी करते हुए दो शातिर चोर मोहम्मद अयूब और मोहम्मद अजहरुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में दोनों अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि कटिहार शहर में ये लोग दर्जनों से अधिक मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं और मोटरसाइकिल को बंगाल एवं झारखंड में जाकर 7,000 से 15,000 तक में बेच देते हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चोर को जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी घटना कटिहार के जलेबिया मोड़ के पास 37 किलोग्राम गांजा के साथ दो अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीओपी ओम प्रकाश ने यह भी बताया कि पुलिस अधीक्षक कटिहार के आदेशानुसार जिले में नशीली पदार्थों के विरुद्ध सूचना संकलन कर विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया था। एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में डंडखोड़ा थाना के द्वारा आसूचना संकलन करते हुए जलेबिया मोड़ के पास अवैध रूप से गांजे का तस्करी करते हुए कुल 5 व्यक्ति रंजीत मंडल, विजय कुमार मंडल, मनीष कुमार, मिंटू कुमार और मनीष कुमार यादव को अलग अलग पैकेट के साथ कुल 37 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में उक्त बरामद गांजा को सिलचर आसाम से खरीद कर अपने अपने घर जिला भागलपुर एवं मधेपुरा में बेचना था, लेकिन उनके मंसूबे पर कटिहार पुलिस ने पानी फेर दिया। गिरफ्तार सभी आरोपियों को गांजा तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया गया है। गांजा बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कटिहार पुलिस इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। पूर्व वार्ड पार्षद विमल सिंह बेगानी की गाड़ी हीरो ग्लैमर है वो चोरी हुई और पूर्व में ही एसपी कटिहार सर के निर्देश पे शहर में मोटरसाइकिल चोरी रोकने के लिए टीम बनाई गई थी और टीम के द्वारा पूर्व में भी कई छापेमारी करके मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली सर के द्वारा तुरंत निर्देश किया गया टाउन एसएचओ को, टाउन इंस्पेक्टर के द्वारा तुरंत ही इसका सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा कर और डीआईओ की टीम भी एक्टिव हुई और इसमें सहायक थाना एसएचओ कमिश्नर डीएसपी हैं सेलेस्टी तक वो लोग और टीम के साथ एक्टिव हुए गाड़ी रिकवरी और चोर को पकड़ने के लिए। उसी क्रम में सूचना मिली है तो मनिहारी क्षेत्र के दो एक्यूज हैं, शेख अयूब और मोहम्मद अर्जुद्दीन जो दिलारपुर के रहने वाले हैं, इन लोगों ने ये गाड़ी चोरी की है और तत्क्षण ही वो गोपनीय तरीके से एसपी सर के इनको नॉलेज देते हुए टीम ने छापेमारी की और चोरी गई बाइक बरामद की गई। इस दौरान उस बाइक के साथ और दो और बाइक चोरी की बरामद की गई और दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पहले से भी क्राइम किए, दोनों लोग पहले से कई क्राइम में 9-10 क्राइम में पूर्व से भी इन्होंने घटना किया है और बीच में जो कुछ खिलाड़ियां आसपास से चोरी हुई थी उसमें भी उन्होंने अपना हाथ बताया है और एविडेंस भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। ये लोग गाड़ी चोरी करके बंगाल और झारखंड में बेचते थे। इसके अलावा कोढ़ा के में भी एक चोरी गई गाड़ी बरामद की गई है, उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इस जिला के बासुयन मंडल के बलिया बलों में भी उसमें एक
गिरफ्तारी है मोहम्मद शमीर की और गाड़ी को भी जब्त किया गया। कुल कितनी गाड़ी बरामद हुई? कुल करीब 5 गाड़ी बरामद हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए लाइव 24 न्यूज बिहार के साथ।